घुमार में भाजपा मंडल व युवा मोर्चा शहरी इकाई व अन्य कार्यकर्ताओं ने मिलकर पश्चिमी बंगाल में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले के ऊपर हुए कायराना हमले के विरोध में मंडल महामंत्री राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में ममता बनर्जी का पुतला जलाकर रोष प्रकट किया। भाजपा के लोगों ने कहा कि काफिले पर किया गया हमला सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, जो निंदनीय है। भाजपा के लोग इस तरह के हमलों से डरते नहीं है, पर कायरतापूर्ण किया गया हमला निंदनीय है तथा केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जिन राज्यों में ऐसा जंगल राज चला है उनमें राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इस मौके पर युवा मोर्चा के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई, जिसमें ममता बनर्जी के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ये कहकर युवाओं ने जगत प्रकाश नड्डा को आश्वासन दिया कि पूरा हिमाचल प्रदेश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है, आप आगे बढ़ो। पश्चिम बंगाल में किया गया ये कृत्य हर हिमाचली को अकट रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में पुतले जलाए जा रहे हैं। आज भाजपा घुमारवीं की तरफ से, मंडल घुमारवीं की तरफ से, युवा मोर्चा घुमारवीं, शहरी इकाई घुमारवीं की तरफ से, जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के द्वारा नड्डा जी के काफिले पे जो हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, हमने उसका जोरदार विरोध किया। ये जो घटना है ये काफ़ी शर्मसार करने वाली घटना है लोकतंत्र में, और इसका परिणाम टीएमसी को भुगतना पड़ेगा। मैं जिला युवा मोर्चा की तरफ से और पूरे समस्त अपने युवा मोर्चा की तरफ से इसका खंडन करता हूँ।